हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. सब लोग का नू बहुत ही वेलकम है जी टू आवर चैनल दैट इज पंजाब अड्डा 24/7 पे. एक बारी आप साउंड चेक कर लेने हो गाइस. हेलो, गुड ओके, साउंड इज आफ्टरनून. परफेक्टली फाइन. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. जस्ट वेटिंग, थोड़े बच्चों का आप वेट कर लेने हैं कि वो भी नाले साडे जुड़ जाए, तो फिर आप क्लास नू स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट मी शेयर द लिंक. एक बारी लिंक आप शेयर कर देने हाँ पंजाब अड्डा 24/7 दे टेलीग्राम चैनल पे. ऑल राइट, चलो गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू आप क्लास स्टार्ट करने. आज दी क्लास तानू मैं पहले ही दस्या सी अंग्रेजी दी क्लास, विच बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कंप्यूटर दे बेसिक्स नू डिस्कस करन वाले हैं. आप उन्हों सीखन वाले हाँ कंप्यूटर की है, वो मेन जेडे यू नो प्रोसेसिस की ने, कितों है वर्ड जरा है डिराइव होया है, एंड ऑल दैट वुड बी डिस्कस्ड केड़े टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में. ठीक है, एक बारी कमेंट्स हम रीड कर लेते हैं. हाय, गुड आफ्टरनून. कल का एग्जाम है, मैराथन ही करवा दो प्लीज. बड़ी जल्दी बताया आपने. ठीक है, अब तो नहीं हो सकता है, हूं आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कर दे पया जी. सत श्री अकाल टू एवरीबडी. ठीक है, चलो पहला सवाल है. द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. केड़ी लैंग्वेज तो तुहाडा जिहड़ा वर्ड है कंप्यूटर उन्हों डिराइव किया गया है. सो डेस्ट्रो गेमिंग मैसेज. ओके, गुड आफ्टरनून अनमोल जी. ओके जी, ठीक है. क्या वो ग्रीक है, इंग्लिश है, हिंदी है या फिर लैटिन लैंग्वेज है? केड़ी लैंग्वेज तो आपा कंप्यूटर वर्ड नू चक्या है, कितों ओनू लिता गया है? दैट इज योर क्वेश्चन. तो लेट अस सी. अनमोलजीत सिंह इज सेइंग ऑप्शन नंबर 4. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. तो याद रखना है कंप्यूटर जेड़ा वर्ड है आपा लिता है लैटिन लैंग्वेज तो. ऑल राइट, एक्सीलेंट. ठीक है, राम राम विवेक धारीवाल. ऑल राइट, अगे चलने आ. केन जेसन करेक्ट आंसर. एस्ट्रो गेमिंग करेक्ट. इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस जेनू आपा ग्रुप कर देने हाँ ते ए की रिप्रेजेंट कर देने. मोबाइल डिवाइस, आईपी साइकिल दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या फिर कंप्यूटर सिस्टम. हाँ जी. यस गाइस, क्या आंसर होगा जे आपा इनपुट आउटपुट ते प्रोसेसिंग डिवाइसेस नू कंबाइन कर देने हाँ, टुगेदर ओ की रिप्रेजेंट करता है? बहुत सौखा जिहा सवाल है. द आंसर इज कंप्यूटर सिस्टम. वेरी इजी. जे आपा इनपुट दी गल करिए, आउटपुट दी गल करिए, किदे कंपोनेंट्स ने, किदे पार्ट्स ने, दे आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगला सवाल है. देखो पहला जो सेक्शन है हमारे इन क्वेश्चंस का, यानी 35 सवाल करने ने, पहला जो सेक्शन है थोड़ा सौखा है. बात शो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, सो नाउ यू हैव टू टेल मी द करेक्ट ऑर्डर. केड़ा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? पहला की हुंदा है, प्रोसेस हुंदा है कि इनपुट हुंदा है? इनपुट दे बाद शो की हुंदा है? जय हिंद जी, विक्रांत पदम. हां जी, तो व्हाट डू वी डू इनिशियली? डू वी डू इनपुट और प्रोसेस? तो इनपुट जो कर लेने हैं, प्रोसेस कर लेने हैं, बाद चो की करीद है? थर्ड का आंसर फोर्थ बोल रहे हैं. दिलावर शर्मा एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर नंबर इज 4. देखो पहले आप कोई इनपुट करते हो, यानी पहले आप डेटा अंदर डालते हो. डेटा कंप्यूटर कंप्यूटर जेड़ा है वो डेटा नू प्रोसेस करता है. ठीक है, उदे बाद चो कोई आउटपुट निकलता है, ते बाद चो उस पर्टिकुलर चीज नू आपा स्टोर करने हाँ. दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. थिंक ऑफ इट लाइक जे तुसी एक केक नू बेक करदे पए हो. फास्ट कराओ बेटा, अभी समझाना तो पड़ेगा ना सबको. तो जिवें तुसी केक बेक करदे हो, पहला इनग्रीडियंट्स पाउंदे हो, फिर अवन उन्हू प्रोसेस करता है, केक बनता है, तो फिर केक नू तुसी स्टोर कर देंगे हो. आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कलेक्टिंग द डेटा. जो तुसी डेटा नू कलेक्ट करते हो ते उन्हों कन्वर्ट करते हो इनफॉर्मेशन दे अंदर, उन्हों आपा की कहिदा है? प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग या नन ऑफ दीज? गुड आफ्टरनून छवि मैडम जी. ए क्वेश्चन कॉन्स्टेबल दे
ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਲੇਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਂਗੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੇਕ ਅਤੇ ਬੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਬੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕਲਰਕ 2015 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਬੋਟ ਮੂਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਸੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਹਿਊਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕੂਰੇਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਂਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫੋਰ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਹੈਵ ਪਰਚੇਸਡ ਦ ਕੋਰਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾਇਸ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਲਾਸ ਮੇ, ਗ੍ਰੇਟ। ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਜਿੰਨੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ? ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਵੋਗੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਕਰਾਂਤ ਪਦਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ, ਮੈਮਰੀ, ਰਿਪੋਰਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ? ਡੂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ, ਮੈਮਰੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਸ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਪੇਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀਦਾ। ਹਜੇ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਈਕਲ ਕੰਜਿਸਟ ਆਫ ਐਨ ਇਨਪੁੱਟ? ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੇਖੋ, ਇਨਪੁੱਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਯਰ ਆਂਸਰ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਕਿਸਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਥ ਕਾ ਆਂਸਰ ਬਤਾਓ ਕਿਆ ਹੋਗਾ?
इन्फॉर्मेशन एंड डेटा के बीच में, वेरी गुड नाइस क्वेश्चन. डेटा बेसिकली अनप्रोसेस्ड हुंदा, यानी कि तुसी सिर्फ उत्थे पाथ दा उन्हूं प्रोसेस नहीं कीता है, ते जदों कंप्यूटर उन्हूं प्रोसेस कर लैंदा है, उन्हूं समझ लैंदा है, उन्हूं कन्वर्ट कर लैंदा है, उन्हूं आपां कहिंदे आ इन्फॉर्मेशन. वेरी गुड, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 5, दैट इज डेटा इज योर आंसर. वेरी गुड. अगला सवाल ऐ वेखो, किन्ने क्वेश्चन पूछा सी, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय गेस चैट. बहुत फुल फॉर्म्स करवा दो प्लीज, करवा देंगे जी. आई थिंक किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था इन्फॉर्मेशन और डेटा, बट वो कमेंट आई कैन नॉट फाइंड. सो डेटा केहो केड़ी चीज एहो जिहा डेटा है जिन्हू आपां ऑर्गेनाइज करते हाँ ते प्रेजेंट करते हाँ इन अ मीनिंगफुल फैशन. हजे आपां कीता है, द आंसर इज गोइंग टू बी इनफॉर्मेशन. डेटा नूं जे तुसी ऑर्गेनाइज कर देंदे हो, जे तुसी उन्हूं प्रेजेंट कर देंदे हो एक प्रॉपर तरीके दे अंदर, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर इनफॉर्मेशन. राइट मैम, पंजाबी पैडागॉजी फॉर सी टेक दी क्लासेस कदों स्टार्ट होनिया है? आई थिंक दे आर ऑलरेडी गोइंग ऑन साडे दूजे चैनल दे उत्ते, यू कैन चेक इट आउट, दैट इज आई एस द टीचर्स अड्डा 24/7. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून चल रही है जी. चलिए आगे चलने हैं, द स्टेप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्ना भी नहीं पर थोड़ा वेख लो. जे आप कोई स्टेप चुकने हाँ, टास्क करने हाँ, जे किसी डेटा नू प्रोसेस करना करना हुंदा है, उन्हू आप की कहीदा है, इंस्ट्रक्शन कहीदा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहीदा है, सिस्टम यूनिट, हार्डवेयर यूनिट, व्हाट वी कॉल इट. 43 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो सिर्फ 19 लोगों ने लाइक किया है. जल्दी लाइक कर दो, लाइक बटन पे प्रेस कीजिए. यस, जल्दी से लाइक कर दो और आंसर भी दे दो. सो व्हाट इज इट कॉल्ड? वेरी गुड अर्श कंबोज, का आंसर करेक्ट है, नू आपा इंस्ट्रक्शंस कहने हाँ. ठीक है, आपा कोई स्टेप चुकने हाँ विच आर नीडेड टू प्रोसेस द डेटा, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर नहीं हुंदा, सिस्टम यूनिट नहीं हुंदा, इंस्ट्रक्शंस आऊगा जी. बिल्कुल करेक्ट है वासु मदान, आपका गलत हो गया यहाँ पे. ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है ना, जिदे राही आपा कंप्यूटर तो काम करवाने हाँ, उन्हों देने की हाँ, वी डू, वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. फास्ट करवाओ, चलो ठीक है. अगला सवाल है, अर्लीएस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. फास्ट पता क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज मैं आपको टाइम देती हूँ, फिर आप आंसर देते हो, आंसर थोड़ी लेट दिखते हैं हमें. बिकॉज देर इज अ, यू नो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू, डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन व्हेन यू गिव द आंसर्स एंड व्हेन आई गेट टू सी इट, तो ता करके वो थोड़ा जा गैप पै जाता है. चलो, अर्लीएस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस केड़ा है जी? What is the earliest calculating device? Maninder Kaur बोल रही है, second एक request है, answer दो 14th करके. Very good, answer is option number 2, that is Abacus. बहुत बढ़िया. Question number 13 again. अच्छा, okay, चेतना अरोड़ा जी के लिए सवाल एक बारी हम explain कर देते हैं. Question कहता है, जे आपा data नू process करवाना है, मतलब तुसी चाहते हो कि आइकन नू क्लिक करना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई सवाल तुसी पूछा है उधर रिस्पॉन्स चाहते हो, तो उस चीज नू आपा की कहीदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहीदा है? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा जिवें विंडोज हो गया है ना, विंडोज 98 हो गया, विंडोज XP हो गया, विंडोज 10, ए तुहाडे ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदे ने. सॉफ्टवेयर की हुंदे ने? जिदा तुसी यूज करते हो, ठीक है. हार्डवेयर यूनिट, सिस्टम यूनिट्स भी नहीं है, तुसी काम करवाना है कंप्यूटर तो तुसी इंस्ट्रक्शंस देते हो. आई होप आपको क्लियर हो गया चेतना जी. मैं कम इन मैम, आई एम लेट टुडे. चलो, अबैकस क्या कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन अबैकस परफॉर्म? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर बोथ 1 एंड 2? क्विकली. हाँ जी जी, आशीर्वाद है जी सबके ऊपर. पर अब पढ़ लो, फालतू की बातें मत करो, पढ़ाई कर लो. हजे क्वेश्चन पूछे जाते पे ने, उदा आंसर दियो, फोकस करो उदे उत्ते, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. रोहित नारंग, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कि वो फर्स्ट भी कर सकता है और सेकंड भी कर सकता है. ग्रेट, आगे चल रहे हैं. अगला सवाल है जी,
हुन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए ने. रिमेंबर आई टोल्ड यू कि पहला जड़ा पार्ट है वो थोड़ा आसान है ना. 35 क्वेश्चन है गए ने शायद आज. ते बाकी दे जड़े क्वेश्चन ने दे आर वेरी टिपिकल है ना. ए क्वेश्चन सानू हुन करने पैने ने. क्वेश्चन है नेपियर्स टेक्नोलॉजी जेड़ी की यूज हुई सी कैलकुलेशन दे लई उनू आपा की कहिदा है. मैम लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें से. बेटा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. कब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है शायद से आप अगले हफ्ते में उन्होंने कवर करेंगे. आज आप बेसिक्स कर दे पे. चलो सैम जी बोल रहे फर्स्ट सब आंसर. अच्छा नेपियर से सबने नैप्टोलॉजिया बना दिए. That is not the answer. Answer is option number 4, which is rhabdologia. हुन आपा ऐ सिखन वाले हैं नेपियर टेक्नोलॉजी की है. इदो आई सी ते की हुंदा है rhabdologia. Constable का लेवल कितना होगा? Easy to moderate. According to me, हुन मैं भगवान ते हैगी नहीं, रब ते हैगी नहीं कि जड़ा दस सकती हैं. But I am guessing it's going to be easy to moderate. चलिए अब देखते हैं. बेसिकली नेपियर्स बोन्स जो है वो 1617 इहदा नाम हैगा जी. 1617 विच आईया सन. ठीक है, उहदे बाद जो वेखो ए किन्ने इनवेंट या इंट्रोड्यूस कीती सी. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन नेपियर. नाम है बंदे दा जॉन नेपियर. ए बंदा स्कॉटलैंड नू बिलोंग करदा सी. हुन नेपियर बोन हैगा की है, रैबडोलॉजिया हैगा की, आपां वेख लैने आ. नेपियर बोन बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है. याद रखना है 3-dimensional स्ट्रक्चर है. एदे विच नंबर आउंदे सन सिर्फ 0 तो लेके 9 तक. ते बेसिकली कैलकुलेटिंग रिजल्ट दा ग्राफिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करदा है. मतलब पिक्टोरियल फॉर्म, उदी पिक्टोरियल फॉर्म, कैलकुलेशन दी पिक्टोरियल फॉर्म नू रिप्रेजेंट करदा है नेपियर्स बोन्स. अगेन रिवाइज करते हैं. 1617 जॉन नेपियर स्कॉटलैंड. 3D स्ट्रक्चर, नंबर ने 0 तो लेके 9 तक. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता है नंबरों के उत्ते. ठीक है, उदे बाद चो टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का ना की है कैलकुलेशन के लिए जी यूज की गई, दैट्स कॉल्ड रैबडोलॉजिया. ऑल राइट, हूँ आप एक बार वेख लेंगे नेपियर बोन दिखती कैसे थी. ठीक है, जो इस्तेमाल की थी तो आप देख सकते हो इस प्रकार से आपकी कुछ नेपियर बोन्स की ये डायग्राम रही है. क्लास के तो शुरू कितने एग्जैक्टली 2 बजे. अगला सवाल है पैस्कलीन नू आपा किस ना दे नाल जानदे. हाँ, बाय व्हाट अदर नेम इज पैस्कलीन नोन एज. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगेन आई एम टेलिंग यू. हाँ जी, पैस्कलीन नू किस होर नाम नाल आपा जानदे. हाँ जल्दी बताओ, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ. आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एडिंग मशीन. हुन आपा पैस्कलीन एक बारी सीख लेने हैं. पैस्कलीन की हैगा है. ओके, तो हजे आपा पढ़े है नेपियर बोन बारे है ना, जॉन नेपियर एंड ऑल दैट. नाउ वी आर वेरी गुड अर्श कंपोज. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट्स एडिंग मशीन. नाउ पैस्कलीन वो इन्वेंट होया सी 1642 दे अंदर. केड़े बंदे ने नू इन्वेंट किया सी, उहदा नाम है ब्लेज पैस्कल. ए बंदा फ्रांस नू बिलोंग करदा सी. ते जेड़ी पैस्कलीन है दैट इज योर फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन. ते एनू आपा एडिंग मशीन दे नाल ना दे नाल भी जानदे हां. हुन पैस्कलीन दा स्ट्रक्चर किहो किहो जिहा सी. इट वाज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. रेक्टेंगल दी शेप विच हैगा सी. एदे अंदर 8 डिस्क हैगे सन. रिमेंबर, याद रखना है 8 डिस्क एदे विच हैगे सन. Now it performed addition. Addition function भी ये perform करता था. ते नाले subtraction भी करता सी. ते mainly design किता गया सी liquid दे pressure दे regard विच. ठीक है, दोबारा एक बारी पढ़ते. Blaise Pascal, France, 1642. पहली adding machine, rectangular box. 8 disc आये दे विच है गया सन. Then addition, subtraction, plus minus ते liquid दा pressure. मोहाली में ऑफिस नहीं है हमारा, इट्स इन गुड़गांव. सत श्री अकाल. सीपीयू की फुल फॉर्म कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. बट आप मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, आप किन क्वेश्चंस पे जा रहे हो? अगेन जो पढ़ाया जा रहा है बेसिकली वो पढ़ नहीं रहे हो और ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो. चलो एनी हाउ,
एडिंग मशीन बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस प्रकार आपका पास्कलिन दिखता था, आप देख सकते हो, तुसी लोग वेख सकते हो, 8 डिस्क एदे अंदर मेंशन नहीं हैगी, हजे ते दिखदियां नहीं पई हैं, बट जड़ी एक्चुअल पास्कलिन हैगी सी ओदे अंदर 8 डिस्क, देयर वर 8 डिस्क। ये जो ऊपर मेंशन है इसको रोटेट कर, मतलब अगे पीछे करांगे तो तानू विखनगी, ठीक है। सो 8 डिस्क इसमें याद रखना है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन सी, ठीक है। चलो, punched cards were first introduced by, so we read about, we learnt about Napier's bones, we learnt about Pascaline, hun aapa gal karde pe ha punched cards di, punched cards kinne introduce kite san, te punched cards aive vikde pae ne, same law is also used in breaks of cars, all right, punjabi bache punjabi hindi english sab kuch mix karke bolna pehna hai, कला पंजाबी तो गल नहीं बननी, बाकी स्टेट्स के बच्चे, बाकी बच्चे भी यू नो दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी इंग्लिश ही बोलते हैं मैम, यह तो बिल्कुल झूठ है, पंजाबी हिंदी अंग्रेजी तीनों आप बोलते हैं, मतलब मैं बोलती हूँ। तो ये किसने जवाब दिया है जो कि गलत है, हरमन हॉलरिथ इज नॉट करेक्ट, ओके एब्सोल्यूटली करेक्ट जी, नवजोत कौर का करेक्ट है आंसर, इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज जैकवाट। गिव मी अ मिनट, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक आई हैव, हाँ जी हाँ जी, 4th ही आपका आंसर है, मैंने गलती से वो आंसर बोल दिया है, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जो आपकी पहली दफा ये जो पंच्ड कार्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे, क्या नाम है जी इसका, हरमन हॉलरिथ, मैंने जैकवाट बोल दिया है गलती से, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो पंच्ड कार्ड्स आपके इंट्रोड्यूस किए हरमन हॉलरिथ ने, अपार्ट फ्रॉम दैट नेपियर बोन किसने किया इन्वेंट, कोई बताएगा, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, एक बारी आप रिवाइज कर लेने हैं, पंजाबी हिंदी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट, नेपियर बोन किन्ने किया जी, हुण तुसीं मैनूं दसो, ते कल आप क्वेश्चन फेर करने ने। रमनदीप जी डी बोल रही है, डी क्या है, नन, अच्छा हरमन हॉलरिथ, ठीक है जी, नंबर 4 ही आंसर है, गुरी गुरी। बताओ नेपियर बोन केड़े बंदे ने किया सी, ऑप्शंस नहीं दसते पे आप, हाँ जी हरमन ही है, हरमन मतलब पंजाबी वाला नहीं, नेपियर बोन जॉन नेपियर ने किया था, करेक्ट। और पास्कलिन किसने किया था वो भी एक बारी बता दो, पास्कलिन किन्ने इंट्रोड्यूस किया सी, आसान है, ब्लेज पास्कल ने किया सी जी, पास्कलिन इंट्रोड्यूस, ठीक है। गलती से आंसर दिख गया, चलो अगला आंसर है, क्वेश्चन है, कंप्यूटर दा फादर कौन है, केड़े बंदे नू आपा कंप्यूटर दा फादर कंसिडर करते, हाँ डेनिस रिची, नेपियर, चार्ल्स बैबेज या फिर एलन ट्यूरिंग, बताओ किन्ने किता सी, ब्लेज पास्कल इज करेक्ट, वो आपा कर चुके हैं, हाँ जी, फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, कौन है, वेरी गुड, आसान सा क्वेश्चन है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चार्ल्स बैबेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलने हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनालिटिकल इंजन केड़े बंदे ने डिवेलप किया सी, Who developed analytical engine? Now you know Blaise Pascal ने तो नहीं किया, उन्हें तो Pascaline किया, but हो सकता उन्हें यह भी किया हो, ध्यान नाल दसना मैनू आंसर। Yes, modern computer Alan Turing, correct, पर हजे आप करते पे analytical engine, तो analytical engine कुछ इस तरह विकदा सी, क्या आपने थर्ड आंसर चार्ल्स बैबेज दिया जी, सनराइज कैफे ने इन्ने सारे आंसर देते ने, व्यंत कौर बोल रही है एलन ट्यूरिंग, दैट्स नॉट करेक्ट, वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, तो चार्ल्स बैबेज जिन्हों आप फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहने हाँ, उसे बंदे ने एनालिटिकल इंजन भी डिवेलप किया है, बिल्कुल करेक्ट है। हुण एक बारी सीख लैने, समझ लैने हाँ एनालिटिकल इंजन कदों आया, तो की इहदे बारे होर फीचर्स ने, Analytical engine was developed in 1837. 1837 आया सी चार्ल्स बैबेज, हजे आपा पढ़िया, जिन्हों आपा फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहने हाँ, उन्हें इन्हों इन्वेंट किया सी,
ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, मतलब हर पर्पस के लिए तो नहीं बोल सकते पर आम पर्पस ले इनू आपा यूज कर दे हाँ, ते पहला ओहो जिहा कंप्यूटर सी, ना है इहदा एनालिटिकल इंजन। हुण इह की करदा सी, इह प्रोग्रामां नू स्टोर करदा सी पैग्स दी फॉर्म दे अंदर, PEGS पैग्स दी फॉर्म दे अंदर, जिनू आपा बैरल्स भी कहने हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल जे पूछ लिया जावे ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰਲਸ ਜਾਂ ਪੈਗਸ ਟਰਮ ਯੂ ਨੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਜਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਡੈਸੀਮਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫੋਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ। ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ। तो सनराइज कैफे सिंह एडवांस लैवल बेसिकली आप लैवल करवाते पे हाँ जो लैवल के सवाल क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो साडा हजे प्रैपरेशन चलती पी है PS PCL क्लर्क की कॉन्स्टेबल की, तो अंदर आप फिर यही सवाल करेंगे, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, करेक्ट है जी बिल्कुल, वो भी हजे आप करेंगे। तो एनालिटिकल इंजन सबने देख लिया, हुन आपा आगे दूसरा क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन में किस चीज को मेमोरी यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाता था, केड़ी चीज नू मेमोरी यूनिट दी तरह यूज किया जाता सी, आंसर बताइए। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस दास, तो हजे ते आपा पढ़े हजे आपा कीता ते सही, एलन ट्यूरिंग। पैग्स की हुंदा है जी, पैग्स तुहानू दसने पैणगे, मतलब शो करके बता सकती हूँ मैं, बट इमेज आई डोंट थिंक, बिकॉज ऐसे समझाना इट्स अ बैरल, बैरल पता है की हुंदा है, ते बैरल दी शेप दे अंदर हुंदा है जी पैग्स, उन्हों किवें दसीए। एक मिनट मैं देखती हूँ अगर मिलता है तो, तब तक आप आंसर बताओ। एनालिटिकल इंजन क्या यूज किया उसने मेमोरी यूनिट तरह। कोई आंसर नहीं दे पा रहा है, यस गाइस कुछ तो ट्राई करो। कार्ड यूज किए हैं उसने, नवजोत बोल रही है काउंटर व्हील्स, वेरी गुड आंसर इज काउंटर व्हील्स। तो याद रखना है हजे आपा कुछ चीजा पढ़िया ने एनालिटिकल इंजन दे बारे, नन ऑफ दीज आंसर नहीं है। चार्ल्स बैबेज 1837 पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्राम नू स्टोर करदा सी पैग्स दी फॉर्म दे अंदर, जिनू आपा बैरल्स भी कहीदा है। एक होर चीज हजे आपा पढ़ी है विच इज मेमोरी यूनिट, ठीक है। ते मेमोरी यूनिट की यूज करता सी ओ, आंसर इज काउंटर व्हील्स। ब्लॉक हो गए सी कमेंट्स, ब्लॉक क्यों हो गए, मे बी आप कॉन्स्टेंटली टाइप करते यू नो किया होगा इसीलिए वो ब्लॉक हो गए होंगे। चलो अगला सवाल है, टैब्यूलेटिंग मशीन पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन सी, केड़े बंदे ने डिवेलप की सी। टैब्यूलेटिंग मशीन जेड़ी की पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन सी, एक केड़े बंदे ने इन्वेंट कीती सी। काउंटर व्हील इज करेक्ट, ओके। किसी ने आंसर दिया है, बल्ले मैडम जी थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू जी, वेरी गुड जी। हरमन हॉलरिथ बंदे ने टैब्यूलेटिंग मशीन पहली एस बंदे ने यू नो डिवेलप की सी, एने ए डिस्कवर तो नहीं बोल सकते क्योंकि बनाया है डिस्कवर होंगे पहला ही कोई चीज़ हैगी है। आंसर इज हरमन हॉलरिथ। टैब्यूलेटिंग मशीन तुम वेख सकते हो, कुछ वुडन जहा स्ट्रक्चर हैगा है, ठीक है। ये अगे होर आप सीख लें, 1890 के अंदर यह डिवेलप हुई सी, हरमन हॉलरिथ ने की सी, बंदा अमेरिका तो हैगा है। नाओ एज यू कैन सी टैब्यूलेटिंग मशीन विच की है ने पंच्ड कार्ड्स हैगे ने, तुसी इमेज दोबारा वेखो, राउंड होल्स हैगे ने ते पंच लगे हुए ने। ते पिछला क्वेश्चन सी कार्ड्स यूज किते जांदे ने मेमोरी यूनिट च के फ्लॉपीज के काउंटर व्हील्स, ते याद रखना एनालिटिकल इंजन च ते आपा काउंटर व्हील ही यूज करदे आ, पर जे आपा टैब्यूलेटिंग मशीन दी गल करिए ते ओदे अंदर वी यूज पंच्ड कार्ड्स विद राउंड होल्स। ते पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन सी
ਇਹਨੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਲਈ 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਹੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਚਲੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੋਟ ਇਟ 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨੀਐਕ ENIAC ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ENIAC ਹੈ ਦੈਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਲੁਕਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਯੈਸ ਆਂਸਰ ਬਤਾਈਏ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀਲਸ ਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਕੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਂ ਪਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸਕਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀਲ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ ਫਲੋਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਰੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕਾ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਆ ਥਾ ਆਪਕੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀਲਸ ਇਸਕੀ ਇਮੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਢੂੰਢਣੀ ਪੜੇਗੀ ਆਪ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਭੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੇਪੀ ਐਕਰਟ ਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਪਰ ਐਕਰਟ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਪੀ ਐਕਰਟ ਪ੍ਰੈਸਪਰ ਐਕਰਟ ਤੇ ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਮੋਚਲੀ ਜੇ ਡਬਲਯੂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੌਨ ਡਬਲਯੂ ਮੋਚਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ENIAC ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂ ਨੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਓ ਇਸਮੇ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰਸ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਉਹ 20 ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ 20 ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਯੂਜ਼ਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਪ੍ਰਿਕਾਸ਼ਾ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਕਰਟ ਅਤੇ ਮੋਚਲੀ ਮੋਕਲੀ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਏਸ ਐਡਵੈਕ ਐਡਸੈਕ ਕਿ ਮਾਕਵਨ SSC CPU 2012 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਾਲਡ ਲੈਟ ਮੀ ਡਰਿੰਕ ਸਮ ਵਾਟਰ ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਪ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਐਡਵੈਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ Answer is option number 1, which is EDSAC. Now, let's learn a few things about EDSAC. So, EDSAC jo tha, wo 1949 which aya si. John von Neumann, a banda America to hega si. Thik hai? Es bande ne EDSAC nu banaya si. John von Neumann, absolutely correct hai ji, Kamboj Rahul ji ka. Bilkul correct hai, yaad rakhna hai. ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਸੈਕ ਐਡਵੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਜ਼ਡ ਮਰਕਿਊਰੀ ਡਿਲੇ ਲਾਈਨਸ ਫੋਰ ਮੈਮਰੀ ਅ ਮੈਮਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਰਕਰੀ ਅਬ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਡਿਲੇ ਲਾਈਨਸ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੁਬਹਾ ਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮਰੀ ਲਈ ਮਰਕਿਊਰੀ ਡਿਲੇ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕਿਊਰੀ ਡਿਲੇ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ
कि मेमोरी दे लई की चीज यूज कीती गई सी एड सैक दे अंदर. ऑल राइट, लॉजिक दे लई वैक्यूम ट्यूब्स ते मेमोरी दे लई मर्करी डिले लाइंस. याद रहूगा आई होप. अगे चलने हैं. पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर केड़ा है? हाँ जी, ध्यान से सुनना. जनरल पर्पस तो ठीक है, पर हुन आपा विच एक होर वर्ड पाते हैं विच इज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. सिर्फ जनरल पर्पस कंप्यूटर आपा नहीं पाया होते, क्योंकि जे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर दी गल करिए होते फिर एनालिटिकल इंजन सी. पर हुन में गल करता है जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी? वे ऑफ टीचिंग इज जस्ट ऑसम. थैंक यू सो मच. चलो, वेरी गुड, एक्सलेंट. एडवैक नहीं है, मैंने यूनिवैक पे एक्सलेंट बोला है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज यूनिवैक. अब तुसी वेख सकते हो यूनिवैक किहो जिहा विकदा सी. ठीक है, जिवें कि कोई साडी कंप्यूटर टेबल पई हुई है. इमेजिन कंप्यूटर एहो जे हुंदे सन, ते हुन की ने बहुत ही छोटे छोटे टैब्स दी फॉर्म विच भी आ गए ने. ऑल राइट, लेट्स लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट यूनिवैक. देखो, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर जे आपा गल करिए होगा सी एनालिटिकल इंजन. पर जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे है वो हैगा यूनिवैक. 1951 विच हैगा सी. किन्ने इनू कीता सी? अगेन जे प्रेस पर रिकॉर्ड ते जॉन मॉकली ने अमरीका तो. राइट, एदे विच इनपुट ते आउटपुट दे लई की यूज कीता जांदा सी? मैगनेटिक टेप्स. सो द कीवर्ड इज मैग्नेटिक टेप्स. ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स. ओके, हुन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजा करवाने वाली हाँ, ते एना चीजा दे विचो ही आपा आज कुछ क्वेश्चंस करांगे. तो ध्यान से सुनना, कितने क्वेश्चंस रह गए हमारे एक बारी मैं देख लेती हूँ. आई थिंक 10 to 12 सवाल रहते हैं. ठीक है, चलो. ऐदा दा टेबल पया साडे, साडे भी पया जी. इमेजिन करो उस जमाने विच एहो जे कंप्यूटर हुंदे सन. हुन आपा सीखने हाँ कुछ चीज़ा कंप्यूटर दे डिफरेंट जनरेशन्स दे बारे. दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर याद रखना है 1940 to 56 दे विच आई सी. भाग मैं तो जाना कि भी थ्यूरी हो रही है, क्योंकि ऐसे थ्यूरी विच विचों हजे मैं सवाल पूछने ने. स्विचिंग डिवाइस केड़ा यूज होया सी? वैक्यूम ट्यूब्स. हजे किसी बच्चे ने बोली भी सी है कल. हुन स्टोरेज डिवाइस की सी, मतलब स्टोर किदे राही करदे सी? मैग्नेटिक ड्रम्स दे राही करते सी. ते स्पीड किन्नी है जी? 333 माइक्रो सेकेंड. ऑपरेटिंग सिस्टम दा नाम की है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. सब तो तेज कंप्यूटिंग डिवाइस है, पर हीट बहुत ज्यादा है जनरेट करता सी. एंड देन नॉन पोर्टेबल, मतलब तुसी इस चीज नू, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर नू एक जगह तो चक के दूसरी जगह ते नहीं लेके जा सकते सी. ठीक है, इसको हम साइंटिफिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे. हजे आपा पढ़िया यूनिवैक किदो होया सी, ते सेम टाइम पीरियड दे अंदर ही वो इंट्रोड्यूस होया सी. गुड आफ्टरनून जी मिस भूपिंदर. एग्जाम्पल है एनियाक, मार्क वन, यूनिवैक. ऑल राइट, अगे चलने हैं. सेकेंड जनरेशन ऑफ जिहड़ी कंप्यूटर है, दैट इज 1956 to 63. तुसी परसों तो बाद केड़ी क्लास लोगे आप सजेस्ट कर दो. 56 to 63 में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे. टेक्नोलॉजी केड़ी सी जी? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी. ते स्पीड हैगी सी डेटा दी 10 माइक्रो सेकेंड्स. ऑपरेटिंग सिस्टम केड़े ने? ऑपरेटिंग सिस्टम ने टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग. एदे फीचर्स देखो ज्यादा रिलायबल है, ते हार्डवेयर फेलियर इन्नी छेती इस पर्टिकुलर जनरेशन विच नहीं हुंदा सी. किदे बारे गल कर रहे हो? मतलब सामने जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे तो बात कर रहे हैं. क्या हो गया? जो सामने पिक्चर दिख रही है पोर्टेबल था. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज पोर्टेबल, मतलब तुसी इनू कैरी कर सकते सी, ते हीट ए लेस जनरेट करती सी. ठीक है, इनू आप कमर्शियल प्रोडक्शन ले यूज करते सन, जिमें PDP-8, IBM 1401 एंड सो ऑन. उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ भी है. थर्ड जनरेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुन लो. इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हों आप शॉर्ट फॉर्म दे विच IC भी कहने हैं, ते सिलिकॉन दी बनिया हुई है सन. टेक्नोलॉजी देखो इसमें कौन सी है? मैग्नेटिक कोर. ते 100 नैनो सेकेंड्स की अंदर स्पीड हैगी सी.
सिस्टम जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम सी ओह रियल टाइम सी, फीचर्स लैस पावर लैस बत्ती कंज्यूम करता सी, ते हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आपां इहदे लई सानू चाहीदी सी। एग्जाम्पल देखो एमसीक्यू करवाए, फिर वही बात पे, ओ भाई पढ़ लो, इसके बाद एमसीक्यू ही है, एना विचो एमसीक्यू ही है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओदी एग्जाम्पल्स गिवन ने, ठीक है, मैं नहीं करवा रही, सीधा एमसीक्यू पे आओ। आओ स्क्रीन क्लियर नहीं है, एक काम करो, अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है क्वालिटी आप अपनी ठीक कर लो सेटिंग्स में जाके और फुल स्क्रीन करो, बिकॉज मेरे फोन में तो स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे जी, बिल्कुल, कंप्यूटर साइज केड़े पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे अंदर बहुत ज्यादा सी। हां जी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन? मैम आप करवाओ प्लीज, क्या करवाएं, करवा तो रही हूं मैं, सवाल ही तो करवा रही हूं। वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर वन, फर्स्ट जनरेशन, एब्सोल्यूटली करेक्ट। कंप्यूटर साइज सब तो वध हैगा सी साडे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे अंदर, करेक्ट है जी। अगला सवाल हुन दसो, हुन सही सवाल सही जवाब देने हैं, हुन ऐ नहीं कि मतलब मुझे नहीं आता, अभी करवाया मैंने। गुड आफ्टरनून तेजस देशपांडे, पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन, कि उत्ते बेस्ड हैगी सी, ट्रांजिस्टर्स, कंडक्टर्स, आईसीज, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर डिस्क्रीट कॉम्पोनेंट्स? तुसी जिद्दां समझा रहे सी उद्दां ही कराओ बच्चे, हो गया, सिर्फ फोर्थ ते फिफ्थ पए हैं ते ओ आ जाएगे, फोर्थ ते फिफ्थ जनरेशन के क्वेश्चन आपां नहीं करदे पे, थ्योरी करवाओ बच्चे, थ्योरी खत्म हो गई अब सच में, आई एम नॉट किडिंग। हां जी आंसर दीजिए, जशन बैंस बोल रहे हैं फोर्थ, बाकी बच्चे वेरी गुड। तो देखो थ्योरी कितनी सी, इसलिए सवाल का जवाब दे पा रहे हो, बाकी कईयों नूं पता भी होगा पहला तो, बट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर ओनली, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स के उत्ते फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड सन। फोर्थ फिफ्थ करवा देती हूँ, डोंट वरी करवा देती हूँ, आज उनके क्वेश्चंस नहीं है इसलिए मैंने स्किप करवा दिया। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो केड़ा कंप्यूटर सी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल, मतलब किस टाइप के कंप्यूटर्स होते थे वो, मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रो मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रिकल थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स थे? ओना विच लैंग्वेज आईया क्वेश्चन यही आए सी, समझ नहीं आया मुझे थोड़ा, मतलब क्लियरली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। तो कंप्यूटर बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे, आंसर दीजिए। व्यंत कौर जी बोल रही हैं सेकेंड, मैकेनिकल नहीं थे बच्चे, इलेक्ट्रो मैकेनिकल की होंदा मतलब मशीनी है ना, तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल की होंदा अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ते पहला आपा कहंदे पए आ। ऑल इन वन बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर वन आंसर है, एनीबडी एल्स? पहले मुझे बताओ मैकेनिकल क्या होता है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या होता है, फिर हम देखते हैं। चलो मैकेनिकल का मतलब है मशीनी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल का मतलब है मशीनी तो है पर वो बेसिकली किसके ऊपर ऑपरेट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रो, दैट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ठीक है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर टू। तो याद रखना है साडे जिहड़े कंप्यूटर सन पहले जनरेशन कंप्यूटर तो पहला ओ की सन, ओ इलेक्ट्रो मैकेनिकल सन, मतलब मैकेनिकली ऑपरेटेड थे पर चलते थे मशीनी, बिल्कुल करेक्ट, चलते सी विद द हेल्प ऑफ की, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सन। 29th क्वेश्चन बताओ, ये हमने अभी किया है, पहली जनरेशन कंप्यूटर केड़ी लैंग्वेज यूज कर दी सी, मशीन, असेंबली, दोनों के हाई लेवल? दिस इज समथिंग विच वी हैव डन राइट नाउ। यस, yes.
ऑल इन वन बोल रहे हैं ए, किसका आंसर बोल रहे हो ए? आई थिंक 28th का ही बोल रहे हो क्या, 29th का, किसका बोल रहे हो? हम 29th पर है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मशीन। ए हजे एक टेबल दिखाया सी, ओदे अंदर आपा पढ़िया सी पूरा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, दे यूज दी मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल ए भी हजे आपा कीता है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किदे विच सी, केड़े यूनिट दे विच सी? सत श्री अकाल बलजीत कंबोज, स्पीड अप, चलो ठीक है, थोड़े से सवाल रह गए हैं। नैनो सेकंड्स था, मिली सेकंड्स था, माइक्रो के नैनो मिली सेकंड्स था, कि नन ऑफ दीज था? आंसर बताइए। 100 ये क्या बोल रहे हो? यस, माइक्रो सेकंड्स था, किसी को याद है कितने माइक्रो सेकंड्स था? मिली सेकंड्स नहीं है वो, अजय पढ़े है आपका, वेरी गुड। दिलावर शर्मा द करेक्ट है, नैनो भी नहीं है यार, इतनी जल्दी नैनो आ गया पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही, वेरी गुड। प्री कश्यप जी का करेक्ट आंसर है, आंसर इज माइक्रो सेकेंड्स, कितना माइक्रो सेकेंड सी? 333, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। ओके आगे चल रहे हैं, द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड की सी? देखो फर्स्ट जनरेशन का हजे आप पढ़िया सी, दैट वॉज 1940 to 1956। हूँ सिंपल जी गल है, ए तो नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता है, सेकेंड जनरेशन कदों आया होगा? बाकी बच्चा होया करा दो, ठीक है, पर अभी बच्चे वो जो चीज आप बोल रहे हैं वो हम मंडे को ही कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, आप टॉपिक वाइज ही कर सकते हैं ना। एक मिनट देखते हैं, 31 का थर्ड ऑप्शन बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो जो हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी वो आई थी 1956 से लेकर 63 तक, बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये फर्स्ट जनरेशन हैगा है, तो सेकंड जनरेशन हैगा जी 1956 to 63, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलने हैं, टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल केड़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच, टाइम शेयरिंग जेड़ा हैगा है वो पॉसिबल हो पाया सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के फोर्थ? हां जी मैराथन ला लो मैम, एक एग्जाम तो पहला कंप्यूटर बेसिक दी, अब कल तो एग्जाम है, आज तो हमारी क्लास हो गई है, नेक्स्ट एग्जाम के पहले डेफिनेटली करवा दिया जाएगा, इतने दिन से मैराथन ही तो चल रहा था वैसे। वेरी गुड, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जस्ट अ मिनट, विंडोज बटन प्रेस हो गया, इज क्रेजी। आंसर इज सेकेंड जनरेशन विच साडा जेड़ा टाइम शेयरिंग सी वो पॉसिबल हो पाया सी, बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल ते चलने आ, इंटीग्रेटेड चिप्स, जेड़ी इंटीग्रेटेड चिप्स हुंदिया ने ए भी हजे आपा कीता है, केड़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो एनु यूज करना स्टार्ट होया? दिस इज समथिंग विच वी हैव डन राइट नाउ। जशन बैन सर, हाय मैम हाउ आर यू, दिलप्रीत आई एम फाइन। तो ICs कब हमने यूज किए हैं, इंटीग्रेटेड जेड़े चिप्स हैगे ने उन्हों आपा कदों यूज कीता है, केड़े जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच? वेल डन एवरीबडी, बहुत ही वधिया है जी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच आपा IC जिन्हों आपा इंटीग्रेटेड चिप्स के नाम नाल भी जानते हाँ यूज करना स्टार्ट कीता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, चिप का कॉमन निकनेम की हैगा, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट उन्हों आपा की कहने आ? जल्दी बताओ, IBPS क्लर्क 2014-15 विच आया है, एग्जाम इज ऑन 3rd October, ओके, MCQ दे मैराथन ला लियो। एक काम करती हूँ मैं, रुको अभी देख लेती हूँ आपका क्या है टैक्सेशन इंस्पेक्टर का वो सिलेबस, पंजाब टैक्सेशन इंस्पेक्टर बोल रहे हो, है ना? ठीक है, खोल लिया मैंने इसका सिलेबस, so I can see कि इस particular exam दे विच सिलेबस कितने यार वैकेंसी दिख रही है, cannot see the syllabus for this, let me see,
ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਪੇ सिलेबस नहीं खुल रहा है। चलो मैंने इधर खोल लिया है पर्टिकुलर पेज, वहां पे हम देख देख लूंगी मैं। ओके एक बारी देख लेते हैं मैम, आईबीपीएस क्लर्क 2021 पेपर कदो होना, ये कैसे बताएंगे? मैं कैसे बताऊं, देखना पड़ेगा ये तो। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज इंटीग्रेटेड सर्किट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, ਚਿਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਿਪ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨਸਪੈਕਟਰ 1 ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਆਈ ਗੈਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਯੈਸ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ? ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ आर्मी क्लर्क का भी देख लियो जी एक बार, रोको वो भी ओपन कर लेते हैं। पूरा एग्जाम एग्जाम का एग्जैक्ट नेम बताओ, आर्मी क्लर्क ही लिखना है वहां पे। ये है क्या, इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क रिक्रूटमेंट। एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, इसका सिलेबस चलो खोल लूंगी मैं, इधर भी सिलेबस आपका खोल लांगे, ठीक है जी। ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं, एनीबडी एल्स? बाकी बच्चे भी सवाल का जवाब दो जी। तो ट्रांजिस्टर नहीं था भाई थर्ड में, क्या था? हाँ जी, थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर ही था कि क्या था? थर्ड का ही पूछा ना हमने, इंटीग्रेटेड चिप बोल रहे हो। हाँ तो इंटीग्रेटेड चिप जो है तो फिर क्या होना चाहिए आंसर आपका? वेरी गुड, इंटीग्रेटेड चिप हजे आपा पढ़े यार, इंटीग्रेटेड सर्किट नु आपा चिप भी कहने। हाँ थर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर। ट्रांजिस्टर्स नहीं है जिसने बोला है, या फिर आप पीछे चल रहे हो, आईसी इज गोइंग टू बी योर आंसर। एंड ना फुलना, बहुत वरी सवाल आया है, तीजे जनरेशन विच उन्होंने की यूज किया है आईसी, एनू आपा किस नाम नाल जानते हाँ? चिप्स के नाम के नाल भी जानते हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, काम करते हैं जल्दी से। फोर्थ जनरेशन ते फिफ्थ जनरेशन दे आपा कुछ की फीचर्स पढ़ लेने हाँ। ते कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज कल आपा जिन्ने भी क्वेश्चंस किए ने इस हफ्ते के अंदर, मंडे मंडे तो लेके फ्राइडे तक, ओदा एक टेस्ट होना है जी। ते सब लोगों ने आना है प्रैक्टिस करन दे लिए। आई नो कल पेपर है, पर जिन्होंने नहीं भरा है वो जरूर आओ। मेड बाय सिलिकॉन करेक्ट है जी, हजे आपा पढ़ी भी सी कल। वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। फोर्थ जेनरेशन देखो 1971 से लेकर ये प्रेजेंट तक चल रहे हैं। इसमें होता क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट तो होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंस ये है कि वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, मतलब LSI उसे हम कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या है इसका, दैट इज सेमी कंडक्टर मेमरी आप यूज करने हा, या फिर विनचेस्टर डिस्क, ए इंपॉर्टेंट है। स्पीड किन्नी है हूँ थोड़ा इतने आया जी, नैनो सैकेंड्स, वो भी 300। थर्ड विच 100 हैगा सी, पहला माइक्रो हैगा सी। टुमोरो इज माई एग्जाम मैम, फर्स्ट शिफ्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल माई यू नो गुड विशेज आर विद यू गाइज। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम केड़ा है जी, टाइम शेयरिंग ए भी है, GUI इंटरफेस है, कैरेक्टरिस्टिक की है, ज्यादा पोर्टेबल है, रिलायबल है, कम्युनिकेट कर सकते हो, ते रिसोर्स शेयर कर सकते हो। एप्लीकेशन की है गया ने, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो एग्जाम्पल यू कैन सी मैकिनटॉश, मैकिनटॉश सॉरी, जिहड़ा कि तुहाडा मैक दा सॉफ्टवेयर हैगा है वो एदे विच यूज हुंदा है। ऑल राइट, माई माइक्रोफोन जस्ट मिले। चलिए फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज वो स्टार्ट हुए है प्रेजेंट से लेकर एंड बियॉन्ड, मतलब कि फ्यूचर तक वही तुहाडे चलने ने। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰ ਲਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਲਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ,
इसमें हम ऑप्टिकल डिस्क, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम की है जी ऑप्टिकल डिस्क, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं, सॉरी स्टोरेज डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल डिस्क। नवी चौधरी हेलो जी। ते उदे बाद जो प्रोसेसिंग सिस्टम केड़ा है जी, मतलब ओपी, ओ केड़ा है गा, दैट इज नॉलेज इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एदे विचों भी सवाल आ सकते क्योंकि लेटेस्ट एयू है गा। फीचर्स देख लो, मेगा चिप्स एदे अंदर है, अल्ट्रा भी कहते हैं जी इसे, हां जी वेरी गुड। चलो इंटेल कोर सबको पता है, i5 i7 सब कुछ आया हुआ है, आपको पता ही होगा, तुहाडे लैपटॉप दे विच भी होएगा i3 i5 i7। पैरेलल प्रोसेसिंग है, मतलब साथ साथ बहुत चीजें आप कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो इसकी, जिवें रोबोटिक्स विच तुसी एनू यूज करते हो। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज आपा बहुत कुछ सीख लिता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर दे ना ते, आपा बहुत सारे कंप्यूटर्स यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब दे बारे सीख लिता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपा ये भी सीखिया उहदे किहड़े मेन फंक्शंस ने, किहड़े यू नो कि वो फंक्शन करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, तानू ए दस्या गया। एनालिटिकल जिहड़ा तुहाडा कंप्यूटर हैगे सी ओ की हैगे सी, है ना, किसने क्या चीज़ इनवेंट की, ड्यूअल कोर है लैपटॉप में। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सो गाइज, कल सब लोगों ने आना है 11 बजे, अंग्रेजी का मॉक टेस्ट है, वीकली मॉक टेस्ट, ते तुहाडा 2 बजे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है। ए तुसी अटेंड करो ते फटे चक दो। कल तो बच्चों का पेपर है जी, हाँ जी आई नो, पर कल सबका ना है, तो जिसका नहीं है तो आ जाना। ऑल राइट, ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आप मिलने हाँ सेम टाइम 11 and 2 PM रिस्पेक्टिवली, 11 AM and 2 PM रिस्पेक्टिवली। पंजाबी विच कराया करो बच्चे, पंजाबी विच करवाउन दा की फायदा है मैनू दसो। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਅਡੈਪਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ओके हरजिंदर सिद्धू, ओके थैंक यू जी। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, इट वॉज वंडरफुल टीचिंग यू गाइज, सी यू टुमारो। इंग्लिश ठीक है मैम, आई तो अंडरस्टैंड, बट सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलो जी, कल मिलते हैं, सत श्री अकाल।